कभी दर्द की तमन्ना, कभी कोशिश मुदावा, कभी बिजलियों की ख्वाहिश, कभी फिक्र आशियाना। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी साग सोज रोमी, कभी पेचो ताबे राजी। एक चैन नहीं, सुकून नहीं। कराची में बयान के लिए जा रहा था तो जो दोस्त गाड़ी चला रहे थे, मजमा ऐसे नौजवान दौड़ के भाग के आए, तो मुझसे कहने लगा, मौलाना आप इसका मजा लेते हैं, इसका मजा लेते हैं, कैसी बाबा और आप इसका मजा लेते हैं। तो मैंने कहा कि जो शोहरत को मंजिल बना के चलता है, दौलत को, इज्जत को, शोहरत को अपनी मेहनत का हदफ बना के चलता है, उसे जब वो मिलती है तो वो तो मज़ा लेता है कि मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, अब कामयाब हो गया हूँ। मैं तो घर से निकला था अल्लाह की तलब में, मैं तो अल्लाह को ढूंढने निकला। रश में फंस जाए गाड़ी तो आदमी को मजा आता है या परेशानी होती है? गाड़ी रश में फंस जाए तो मजा आता है या परेशानी होती है? मैं हर जगह बड़ा सब्र वाला हूं, लेकिन ये रश में फंस जाए तो मैं बड़ा बेसब्र हो जाता, पता नहीं क्या चक्कर, तो मैं बिल्कुल टेंस हो जाता हूं। है ना, मेरी कैफियत वो है जैसे रश में फंसी हुई गाड़ी और रास्ता नहीं, आगे घर तक रास्ता नहीं मिल रहा और मुश्किल पेश आ गई। अगर ये जितनी शक्लें हैं ये तो मुमकिन है मुझे अल्लाह से दूर कर दे और मेरी मंजिल मुझसे खो जाए और उम्र का आखिरी हिस्सा है, 60 साल के बाद पीछे क्या बच जाता है, चंद सुबह हैं चंद शाम, न जाने बुला ले पिया किस गढ़, तो क्या क्या करेगी हरे दिन के दिन। न जाने किस गली में किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। अब तो शाम करीब है, हाँ ये अल्लाह की नेमत है, मैं इस पर शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं गुमनाम, तूने मुझे शुक्र दी, मैं जलील, तूने मुझे इज्जत दी, मैं जाहिल, तूने मेरे ऊपर इल्म का लेबल लगाया, मैं एक थका हुआ इंसान, कमजोर ईमान वाला, तूने क्या क्या खूबसूरत लेबल लगा दिए, मैं तेरा शुक्र गुजार हूं, नेमत है शुक्र। लेकिन कहीं गुम ना हो जाऊं रास्ते से, कहीं भटक ना जाऊं, इस खौफ ने मुझे बेहाल किया। पहले तन्हाई में मुझे इतना रोना नहीं आता था, लेकिन अब मेरे आंसू नहीं रुकते, खौफ छा।